दोस्तों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये है मेरे पास Xiaomi का Mi A1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Android One। तो इस फोन में चल रहा है दोस्तों MIUI 9। हाँ दोस्तों, MIUI 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फोन में बूट हो चुका है Redmi 5 Plus का रोम, जो पोर्ट किया है डेवलपर्स ने, एक्सट्रा डेवलपर्स ने। उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये बिल्ड वो स्टेबल करेंगे। फिलहाल ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत बगी है। डेली यूज के लिए तो छोड़ दो, आगे के कोई भी एप्स ड्रावर, कोई भी सेटिंग्स इसमें ओपन नहीं हो रहे, बस नोटिफिकेशन सेंटर आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिल्ड है Redmi 5 Plus का, और जल्दी हम MI 5X का भी बिल्ड फ्लैश करके देखने वाले कि वो कितना स्टेबल है। तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि Redmi 5 Plus का बिल्ड अभी Mi A1 के लिए स्टेबल नहीं है, बस बूट हो चुका है और यहाँ पे बस नोटिफिकेशन सेंटर आ जाता है, उसके बाद कुछ भी ओपन नहीं होता है, डेटा चल जाता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, OLTE सर्विसेज भी चल जाती है। पर जब हम मेन सेटिंग में जाते हैं तो ये बैग आ जाता है पूरा का पूरा। तो ये बग्स है, तो जल्दी जल्दी डेवलपर सॉल्व करेंगे इस बग्स को और जल्दी जल्दी हमें स्टेबल बिल्ड देखने को मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी फोटोज़ होती है, जो भी स्क्रीनशॉट होते हैं, वहाँ मैं पहले डाल देता हूँ। तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। तो इसके बाद हम फ्लैश करेंगे MI 5X का रोम, और उसमें कितने बग्स है, और ज़्यादा बग्स नहीं है तो मैं उसका भी इंस्टॉलेशन का वीडियो अभी 2-3 घंटे में डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आ चुका है हमारे Mi A1 के लिए MIUI, तो ये कंफर्म है, यहाँ पे देख सकते हो Android One भी है। तो चलो इसी बात पे दोस्तों, लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा 2 घंटे के अंदर। थैंक यू।